तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है हमारे घाट। वाह, हम तो हमारा ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है हमारे पिताजी का है, लेकिन अब क्या ही बोले, हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जी का है बनारस, हमारे पिताजी का है, हमारे बाबा का है, तो हमारे पिताजी जी तो है वो। हर जगह तो लिख दिया नो एंट्री, कहाँ जाए। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हम, आइए। अरे यार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडमेड आपको ड्रेसेस मिलेंगी, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखने में। बस करो यार, अभी रुको। हर चीज मजाक लगती है आप लोगों को, कितना भी सीढ़ी चढ़ना है पता नहीं है, इतना तो घूमे इसको ढूंढने के लिए, वो भी इतना सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मिल गया हमको यहाँ का म्यूजियम। ये कब बना है, हम इसी में गिर जाए मन कर रहा है अब। इतना बड़ा बना है कि टहलते टहलते हम थक गए एकदम से। 2 मिनट रुक जाओ भाई, कैमरामैन जान ले लो बच्चे की डांडिया करने लायक बचेंगे कि नहीं। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे गजब गजब की चीजें। अब आइए भाई, हमारे पेट की बात जब सवाल आता है ना, तो वहाँ पे हम ब्लॉगिंग नहीं लाते हैं, वहाँ हम सिर्फ खाना खाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, और आप, हम जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग जाइए अपने घर पे खाना खाइए। कुछ मिलेगा हमें? मिलता कुछ नहीं है, आप लोग को पता नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, कहाँ थे बाबा, कहाँ थे। ओम गण गणपते नमः। यहाँ देखिए छोटा सा चूहा भी बना है, यहाँ पे मूषक भी बना है, ये देखो। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। तो आइए, आज देखिए मैं कहाँ आ चुकी हूँ, और यार यहाँ आके तो मेरे को ये सब देख के बड़ा खुशी हो रहा है। और आप देखिए तो कितना खूबसूरत ये बिल्डिंग ही लग रही है, मतलब मेरा तो, मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, मतलब उसने मोह लिया एकदम से, मुझे तो बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। अब चलिए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। अब सब यही बता देंगे क्या, कुछ अंदर के लिए भी तो रखना है। आइए चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ये आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन ग्रास से बनाया गया है, और रेड कलर का बॉर्डर दिया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आज तो मेरे साथ आर्यन भी आया, कहाँ गया, घूम जाता है वो, कहीं भी एक जगह खड़ा हो ही नहीं सकता है। तो आज हम आपको दिखाने आए हैं यहाँ का ट्रेड सेंटर, जो कि गजब का बना हुआ है, मतलब मेरी तो निगाह ही नहीं हट रही है यहाँ से। हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम आ पहुँचे हैं ट्रेड, क्या नाम था भैया, हम तो भूल गए, इतनी खूबसूरत देख के आके हम सब नाम ही भूल जा रहे हैं, ट्रेड सेंटर में यहाँ पे आ चुके हैं। और बिल्डिंग तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ आपको, इतनी खूबसूरत है ना कि मतलब देखते ही मैंने, जैसे ही मतलब मैं उतरी ना गाड़ी से, मैंने कहा वाह, मतलब क्या, मतलब इतना खूबसूरत है काशी हमारे, और हमें पता ही नहीं है। और आज आके यहाँ पे बड़ा ही मन खुश हो गया हमारा। और यहाँ पे देखेंगे आप तो इस साइड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दीनदयाल हस्तकला संकुल, यहाँ पे जो है ना आपको सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई मिलेंगी। और यहाँ की ग्रीनरी तो देखते बन रही है, आप एकदम भव्यता देखिए पहले यहाँ की, कितना खूबसूरत ये यहाँ का सब कुछ लग रहा है देखने में, पेड़ वगैरह सारी चीज़ें कितने अच्छे से रखी गई है यहाँ पे, वाह। और लोग दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने काफ़ी लोग को यहाँ पर टिकटॉक उड़ाते हुए देखा, अरे टिकटॉक तो बैंड हो गया ना, मैंने कई लोगों को यहाँ पर रील्स वगैरह बनाते हुए देखा, जो कि बड़ा ही अच्छा। अब चलो चलते हैं अंदर। और हाँ, अंदर चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जाने वाले हैं एक डांडिया फंक्शन में, जो कि यहीं पास में हो रहा है। नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम आपको फ़ोन नंबर जो है ना वो आपको हम लिंक दे देंगे उसका, और फ़ोन नंबर अपने मेंशन कर देंगे हम, वहाँ से जाके लिख लीजिएगा और जल्दी बुक कर लीजिएगा। जल्दी सब बुक हो जाएगा तो मेरे फैंस नहीं आ पाएंगे मेरे से मिलने के लिए, तो आप लोग को आना है मेरे से मिलने के लिए। तो बस पास ही पे पहाड़िया पे हो रहा है 1 अक्टूबर को डांस प्रोग्राम, ये है इसका, मैं पूरा आपको डिटेल दे दे रही हूँ, देख लीजिए। और हाँ, आना है, सब अच्छे से तैयार श्यार होके आइएगा, डांस वंस किया जाएगा, मस्ती की जाएगी। यार मुझे बड़ा बढ़िया लगता है डांस वंस करना, तो इसीलिए आप लोग आइएगा और खूब इंजॉय किया जाएगा वहाँ पे। तो अब चलिए, अब बहुत बोलती हूँ यार, चलिए अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर का भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अंदर, तो वेट किस बात का, चलो अंदर। तो ये देखिए हम आ चुके हैं अंदर, और क्या मस्त हवा भी चल रही है। और यहाँ देखिए गौतम बुद्ध जी भी बने, और क्या बिल्डिंग बनी हुई है, देखते ही बन रहा है यहाँ की शोभा। और ये देखिए आप एक बार देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह ज्योति वाह, कहाँ घुमा दिया आज तुमने, आओ इस तरफ। यार ये कितना प्यारा लग रहा है, ओ कितना अच्छा लग रहा है। ये कितने का है दादाजी? 250। वाह,
ये आप सारी चीज़ें यहाँ से आके ले सकते हैं जो कि पूरी हैंडमेड मिलेंगी आपको। और इस तरफ देखिए, ये देखिए टेडी वियर है और पांडा भी है, वाह, कंगारू भी है उधर। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है ना? सब हैंडमेड। वाह, आप कहाँ रहते हैं? सारनाथ में रहते हैं, वाह क्या बात है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये संकुल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जो हैंडमेड है, आप यहाँ आ सकते हैं, आपको कम दाम में मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैंडमेड है और सीधा यहीं से बिक रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इवन आप बाहर से किसी मॉल से परचेस करते हैं तो वो बहुत ही महंगा मिलता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो साड़ियाँ एक से एक लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, मतलब वाकई में, तो वाकई में यहाँ पे आके बड़ा ही अच्छा लगा है, मतलब चीज़ें एंटीक हैं और बहुत ही बढ़िया लग रही है। बहुत अच्छी जगह आ गए हम, कुछ मिलेगा हमें? मिलता कुछ नहीं है, आप लोग को पता नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। यार इधर देखो कितनी बड़ी जगह है, इस तरफ देखिए कितनी बड़ी जगह है इस तरफ। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे गजब गजब की चीज़ें। अब आइए भाई, हमारे पेट की बात जब सवाल आता है ना, तो वहाँ पे हम ब्लॉगिंग नहीं लाते हैं, वहाँ हम सिर्फ खाना खाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, और आप हम जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग जाइए अपने घर पे खाना खाइए। नहीं कोई नहीं आएगा यहाँ पे, बुलाया है ना डांडिया फंक्शन में, वहाँ आइएगा, वहाँ खाएंगे, आप लोग खिलाएंगे मुझे, मैं नहीं, आप लोग खिलाएंगे मुझे। तो चलिए अब बस बहुत हुआ, ये देखिए, अरे मेन चीज दिखाया नहीं, बस बस कर रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ का फूड कोर्ट है, और यहीं पे आपको मिल जाएंगे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए। भाई इतना बड़ा है यहाँ पे, घूमते घूमते इंसान की हालत ख़राब हो जा रही है, और बना भी इतना प्यारा है ना कि मतलब मन ही मोह ले रहा है ये हर चीज़ से। यहाँ पे देखेंगे तो आपको चेयर्स लगी हुई मिलेंगी, लोग आते हैं तो यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए अपने आप को बैठते भी हैं, बच्चे आएंगे तो भैया खेलने की भी जगह तो बहुत है। चलो बस खाने जा रहे हैं। हम यहाँ पे म्यूजियम हम ढूंढ रहे थे, तो ये दिखा हमें, और ये म्यूजियम जाने का रास्ता ही है शायद। म्यूजियम कहाँ है भैया? इधर ही है, इधर म्यूजियम उस बिल्डिंग में है। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, और कितनी बढ़िया लग रहा है ये डेकोरेशन देखिए आप, और आगे देखते हैं क्या बना हुआ है वहाँ पे। वाह, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है अभी तक कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी वो हैंडमेड बनेंगी मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे ये देखिए ये बुनकर बने हुए हैं जो कि अपने हाथों से साड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन लग बढ़िया रहा है ये। तो आगे आपको हम और भी चीज़ें दिखाते हैं, थक गए हम, इतना बड़ा है ये घूमने में, जैसे लग रहा है हम सारनाथ आ गए हैं, सारनाथ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। कहाँ चला गया है म्यूजियम, भाग रहा है लग रहा है हमसे। ये देखिए अब ये यहाँ पे देखेंगे तो आपके संग्रहालय है ये, यहीं पे है म्यूजियम शायद, अभी तो शायद ही बोल रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं ये कहाँ है, डांडिया करने लायक बचेंगे कि नहीं। चलिए यहाँ पे मिल गया हमको यहाँ का म्यूजियम, ये कब बना है हम इसी में गिर जाए मन कर रहा है अब। इतना बड़ा बना है कि टहलते टहलते हम थक गए एकदम से। 2 मिनट रुक जाओ भाई, कैमरामैन जान ले लोग बच्चे की, डांडिया करने लायक बचेंगे कि नहीं। फाइनली हम जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है, तो अब हम आपको दिखाते हैं ये यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत म्यूजियम बनाया गया है, इसको कहते हैं शामियाना, हमने खुद ही पहली बार देखा है, लेकिन बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। और इस तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको साड़ी ही लगी हुई मिलेंगी जो कि हैंडमेड है। मैं साड़ियाँ देख के बड़ा खुशी होती है, जो भी बात है साड़ियाँ मिल जाए बस, और चाहिए क्या जीवन में, एक लेडी को, एक औरत को, एक लड़की को कपड़े मिल जाए, हम तो सोचते हैं हमको रोज एक नया कपड़ा मिला बस, और कुछ नहीं चाहिए यार, बस इतनी ही सिफारिश है हमारी। और हॉल देखिए कितना क्लीन, और पूरा ये नीचे ब्लैक मार्बल लगाया गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पे आपको साड़ियाँ मिलेंगी जो कि बनारसी हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है हमारे घाट, वाह हम तो हमारा ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है हमारे पिताजी का है, लेकिन अब क्या ही बोले, हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता ही जी का है बनारस, हमारे पिताजी का, हमारे बाबा का है, तो हमारे पिता ही जी तो है वो। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो पूरा यहाँ पे घाट बनाया गया है, इसमें कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, वाह ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग है ये कोई फोटो
क्लिक नहीं की गई है, ये पेंटिंग है पूरी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस तरफ आप देखेंगे तो लहंगा वहंगा भी लगाया गया है देखने में। और ये देखिए यहाँ पे वेल, मैं क्या क्या दिखाऊँ मैं यहाँ पे आपको, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कौन सा घाट है यार, मुंशी घाट यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। इस साइड आप देखेंगे तो ये मुंशी घाट है, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा वेलवेट का यहाँ पे ये लगाया गया है देखिए। और इसमें मीना, इसमें कि मेरे पास एक साड़ी भी है, ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया गया है, यही वेलवेट का है, बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। एक दो हमको अगर दे देते ना, देंगे नहीं। आइए चलिए चलते, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे दशाश्वमेध घाट। अब यहाँ से हमको चुरमुरा कोई दे दे, एक ठो दे दो दे दो। ये नाव पे अम्मा, हमारी अम्मा जी है नाव पे, जो कल मिली थी हम लोग को वीडियो में, ये देखिए बड़ा ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख, अरे ये देखिए ये मान मंदिर घाट है, इसका वीडियो मैंने बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अंदर मतलब इतना गंगा जी कैसे धरती पे आई, ये सारी चीज़ें उसमें, और वो बड़ा ही 3D लाइट में है, और 3D लाइट में था, लेजर लाइट में था, हाँ बड़ा ही बढ़िया लग रहा था। तो आइए चलिए अंदर भी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, मतलब यहाँ से अगर आपको मैं वहाँ तक दिखाऊँ तो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है ना, मतलब जो हम लोग रियल देख रहे हैं ना वो और भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ विजिट ज़रूर करिएगा, मैं अभी आपको एड्रेस ज़रूर दूंगी। बीच में भाग जाते हैं ना आप लोग, लास्ट तक देखते नहीं हैं तो सोचते हैं ज्योति ने बताया नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में हमेशा बताती हूँ कि कहाँ पे आई हूँ मैं, इसीलिए जहाँ आप ज़्यादा चलाकू मैं। ये दिख रहा है ये वाला, ये कालीन किस तरह से देखिए यहाँ पे इसको वो किया गया है, पहले अंधेरा किया गया है पूरा और फिर इसको दर्शाया गया है यहाँ पे, ये वाओ। ये देखिए बीच में ये सारी चीज़ें बना हुआ है, प्याज की खाल नहीं समझ में आई हमें, ये क्या है इधर देखिए, ये क्या है, ये देखिए ये है, इसी से बनती है हमारी कालीन। और ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेट करके लगाया गया हुआ है ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह से बनते हैं। बनाने तो हम यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं। और इस तरफ देखेंगे आप, इस तरफ भी दिखाते हैं आपको, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये और मत दिखाओ इन लोग को, आइएगा तो अपना देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं है इसलिए मैं क्या दिखाऊँ आपको, लेकिन मैं दिखा देती, चलो माफ़ कर दिया। आइए तो इस तरफ देखिए, ये देखिए कितना सुंदर ये कालीन लग रही है देखने में, वाकई में जैसे लग रहा है एकदम चिन्ना मामा है ना, कैसा लग रहा है, चिन्ना मामा लग रहा है ना एकदम। और ये कालीन है पूरी, बहुत ही बढ़िया कालीन है ये। उड़ता मैं फिरूं हवाओं में कहीं, ये गाना मत गाना लेकिन। तो आइए चलिए चलते हैं अब ऊपर, ऊपर मतलब सीढ़ियों से ऊपर। बस करो यार अभी रुको, हर चीज मजाक लगती है आप लोगों को, कितना भी सीढ़ी चढ़ना है पता नहीं है, इतना को घूमे इसको ढूंढने के लिए, वो भी इतना सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, लिफ्ट लगी तब भी कह रहे हैं यूज सीढ़ी, सीढ़ी का इस्तेमाल करें, यूज स्टेयर चेयर। हर जगह तो लिख दिया नो एंट्री, कहाँ जाएं। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं, आइए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये कर्व में, तो इस तरफ आपको ये पूरा कर्व में देखने को मिलेगा हमारा दशाश्वमेध घाट। अब कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए, वाह। मैं ढूंढ रही हूँ, किसी को पहचानती हूँ, इतनी बार गई हूँ मैं वहाँ पे, तो यहाँ पे इनको हम पहचानते हैं। तो ये गेट नंबर 1 है ना दशाश्वमेध पे, वहीं पे ये बैठे हुए मिल जाएंगे, आपकी पकड़ लीजिएगा कहीं का आपको देखें यहूँ पकड़ के बुला के, क्या बवाल दिखा दी हो तुम, सब पकड़ ले रहे हैं आगे सेलिब्रिटी बना दी। ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए चाची जी कचौड़ी है कि नहीं, अभी मैंने कुछ दिन पहले चाची जी कचौड़ी बनाया बड़ा बढ़िया, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी मैंने खा के दिखा दिया आपको। हाँ अभी मेरा ये बाकी है, अभी मेरी लस्सी बाकी है, मैं लस्सी का ब्लॉग बनाऊंगी जरूर। वाह हमारा गदौलिया
गदौलियों पे तो गजब ही बवाल मचाए थे कल, आ नहीं रही थी एड़ा वेड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहे। अरे यार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडमेड आपको ड्रेसेस मिलेंगी, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखने में। वाह, इस तरफ आप अगर देखेंगे तो आपको ब्राइड का ड्रेस भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट ड्रेस भी है ये देखो। वाओ, वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हमारा बनारस, बनारस क्यों लिखा है भाई, बनारसी नहीं है अब ये, काशी है। इस तरफ देखेंगे तो अब यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये बता दूँ मैं आपको, प्योर धागे पे बना हुआ है, कील लगे हुए हैं उसके ऊपर, ये पूरा उसको प्रयोया गया है। इस पर लिखा हुआ है वाराणसी, काशी लिखो भाई काशी, ओम गण गणपते नमः। तो इधर देखिए यार, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको शीशे के केश मिलेगी। हाँ यार गिरा सकते हैं ना बच्चे बच्चे इसीलिए। और यहाँ पे अब बोलूँगी कम, देखिए जल्दी जल्दी बस, यहाँ पे सारी लकड़ियों का सामान बना हुआ है। अरे बंदर कितना सुंदर बना हुआ है देखो, बंदर बंदरिया दोनों है। और इस तरफ आप देखेंगे तो आधे चीज़ों का तो नाम ही नहीं पता है हमें, मेन तो ये भी बात है। और यहाँ पे देखिए ये लकड़ियों का खिलौने हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी देखने में प्यारा लग रहा है बहुत। हाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी लकड़ियों का नहीं, मिट्टी का है, कितना प्यारा लग रहा है। और वहाँ पे मैंने आपको कालीन बहुत दिखाई है, अब कालीन नहीं दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ देखिए इस तरफ भी पूरा यार कितना, और ये देखिए ये ब्लैक कलर का पूरा बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना। प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें, ये देखिए शहनाई, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई यहाँ पे आप देखेंगे। और यहाँ पे बजाते हुए भी हैं, अब वो है नहीं इस दुनिया में। वाओ, यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक चीज़ एंटिक है, यहाँ पे काम है, ये कंगिया है, ये देखिए ये कंगी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नहीं अब देखने वाली चीज़ें, तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ। पहले इधर देखिए आप, इधर आपको टोपी वगैरह मिलेगी जो कि शादी वगैरह में यूज़ करते हैं लोग काफ़ी सारा। और ये देखिए कितनी ब्रांडेड है, और क्लचर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्लच। तो यहाँ पे आपको एंटिक ज्वेलरीज भी मिलेंगी जो कि यहाँ पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये एंटिक ज्वेलरीज हैं। यार ये झूला कितना प्यारा लग रहा है देखने में, ये राधा कृष्ण के लिए झूला है, वाह बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आइए इधर भी आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब कितना ही देखें यहाँ पे तो हर एक चीज़ देखने ही वाली है। शिव परिवार, हर हर महादेव। जय श्री राम, बड़ा ही बढ़िया लग रहा है हर एक चीज़। अरे यहाँ भी देखो श्री राम जी की, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह कहाँ थे बाबा कहाँ थे, ओम गण गणपते नमः। यहाँ देखिए छोटा सा चूहा भी बना है, यहाँ पे मूषक भी बना है, ये देखो मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। लेकिन कितना बढ़िया बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हर एक चीज़ एंटिक और हर एक चीज़ मतलब दिल से निकल जा रहा है, वाह। अरे इधर इस तरफ अब बस, अरे आओ यार इधर। तो इस तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो इस तरफ देखिए हमारे जय श्री राम, और ये रावण जी भी बने हुए हैं यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे रावण है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा आपको लक्ष्मण सीता जी और हमारे राम जी, और साथ में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे यहाँ पे। तो कितना बढ़िया लग रहा है, और रावण जी भी है यहाँ पे, वाह क्या बात है। अब चलिए और भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सीढ़ी का इस्तेमाल करें, ये बड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, लिफ्ट क्यों लगाया भैया फिर। तो फाइनली मैंने आपको दिखाया यहाँ का सारा व्यू, यार इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है, मतलब एक्सप्लोर करते करते मेरे पैर ने कहा ज्योति अब थम जा बस कर, वरना घर जाके तो बस बिस्तर पे ही लेटी रहूँगी मैं। वाकई में बहुत ही प्यारा लगा ये यहाँ पे आके, तो आप भी ज़रूर यहाँ विज़िट करिएगा। ये बसही पांडेपुर में ये स्थित है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही बढ़िया जगह है। और आर्यन को तो बड़ा फुल मज़ा आ गया यहाँ पे, आर्यन खूब घूमे उमे, इतना घूम लिए कि अब ये थक चुके हैं यहाँ पे, सारा हीरो बनती करता हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया हो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।